लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा 2018 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में कोई कमी नहीं छोड़ रही, और जनता को भी इसी दिन का इंतजार था कि नेताजी कब उनकी चौखट पर आए और वो अपनी मन की बात कह सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। यूं तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन अब की बार रीवा जिले में यह तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई है। रीवा जिले में दो कद्दावर नेताओं को पार्टी ने जगह दी है और उनका प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। ये प्रत्याशी किसी भी पार्टी का रुख बदलने में और गणित समीकरण जो है वो बिगाड़ने का मादा रखते हैं। अगर हम बात करें गुड़ विधानसभा की, तो गुड़ विधानसभा से कुंवर कपिध्वज सिंह को मैदान में उतार कर समाजवादी पार्टी ने एक यहां ऐसा पत्ता खोला है जो कि भाजपा, कांग्रेस और बहुजन तीनों पार्टियों के लिए एक मुश्किल भरी राह तैयार कर दी है। कपिध्वज सिंह साइकिल की सवारी में काफी तेजी से दौड़ रहे हैं और बाकी पार्टियां भी उनके पीछे हैं। जिस तरह से उनको नामांकन के दौरान जन समर्थन देखने को मिला, नामांकन के दौरान एक सैलाब सा उमड़ा और कलेक्ट्रेट में उनके साथ हजारों कार्यकर्ता पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल कराए, इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ युवाओं और समाजवादियों की टीम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आइए देखते हैं एक झलकियां जो कि दर्शाती है कि तीसरे कैमरे की नजर में कितनी जन सैलाब और एक समूह समाजवादी पार्टी के साथ है। Thank you.
पार्टी ने दो कद्दावर नेताओं को यहां पर उतारने का निर्णय एकदम से नहीं लिया, बल्कि वह लगातार यहां पर कई प्रत्याशियों की तलाश में थे। लेकिन दो नेता ऐसे मिले जो कभी भी रुख बदलने में कामयाब हो सकते हैं। कुंवर कपिल ध्वज सिंह को तराश कर निकालने वाले राम वृक्ष यादव थे। राम वृक्ष यादव पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थे। रीवा जिले में वो लगातार सक्रिय रहे और यहां से दो कद्दावर नेताओं को वो अपनी पार्टी में शामिल करने में आखिरकार कामयाब हो गए। आइए आपको लिए चलते हैं राम वृक्ष यादव के पास, जो अपने मुद्दों के साथ जनता से रूबरू होंगे और विकास किस तरह से यहां पर कर पाएंगे और सरकार में उनकी क्या भूमिका होगी, यह सब कुछ उन्होंने स्पष्ट किया। रीवा दर्शन से उन्होंने एक खास मुलाकात में यह अपने पत्ते खोलते हुए यह बताया कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं और कोई भी सरकार बनेगी अहम स्थान उनका होगा। अभी संगठन जितना बनना चाहिए नहीं, मगर ये रीवा जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, पूरा इसका फायदा समाजवादी पार्टी का फायदा रीवा में होगा और बहुत से संगठन हमारा बना भी है कुछ, और तमाम लोग हमारे साथी आएंगे जो यहाँ डेरा डालेंगे और काम करेंगे, संगठन काम करेंगे और संगठन तो सर्वोपरि है। मगर ये है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी जीत अच्छी होगी, आप देखेंगे। कभी बीजेपी 3-4 अंक नहीं क्रॉस कर पाती थी, ये तो समय का है। जनता के बीच और देखिए ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही योगी हैं, मगर जनता के मुख्यमंत्री अखिलेश जी भी हैं, वो अलग की बात है। और हमने वो हम काम के आधार पर वोट मांगे, वो जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगे, वो सफल हो गए। काम पिछड़ गया और जाति और धर्म मजहब आगे निकल गया। पर आज जनता, आप जितना भी चुनाव हुआ, फूलपुर में आप देखे, गोरखपुर में आप देखे, कैराना में देखे, आप नूरपुर में देखे, जिस तरह से बुरी तरह से बीजेपी हारी है, तो अब उस पर कोई सवाल नहीं रखे। अब ये समाजवादी पार्टी जो सरकार में नहीं आई, वो जनता को हमसे ज़्यादा कहीं मलाल, हमसे ज़्यादा कहीं अपने गलत निर्णय में महसूस कर रही है, जनता महसूस कर रही है। कुंवर कपिल ध्वज सिंह और प्रदीप सिंह पटना के प्रत्याशी होने के बाद से समाजवादी पार्टी यहां काफी ताकत से उभर कर सामने आ रही है। कार्यकर्ता भी एकजुट होकर इनके प्रचार प्रसार में लग गए हैं और पार्टी का जिस तरह से रुझान हो रहा है, उससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये दोनों ही नेता कुछ अलग ही कर दिखाएंगे।